हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, आज हम जानने वाले हैं भारत के वैदिक इतिहास के बारे में, यानी उत्तर वैदिक काल के बारे में। इस वीडियो से पहले हम भारत के ऋग्वैदिक काल को पढ़ चुके हैं, जो कि वैदिक काल का ही एक पार्ट है। इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। गाइस, जब तक हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में नहीं जानते थे, तब तक हम अपने इतिहास की शुरुआत वैदिक काल से मानते थे। वैदिक काल का समय अंतराल 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के बारे में हमने ऑलरेडी जान लिया है पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। उत्तर वैदिक काल के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, जो कि 400 वर्षों तक का समय था। तो आइए गाइस, बिना देर करे शुरुआत करते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की तरह का ही समय चल रहा था, लेकिन बाद में जाकर कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिस वजह से हम इसे उत्तर वैदिक काल का नाम देते हैं। ऋग्वेद से वेद और अन्य पुराणों की रचना होती है और उन्हीं के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं। तो हम जानेंगे ऋग्वेद से आगे कौन कौन से वेदों की रचना हुई, किन किन पुराणों वेद और पुराणों ने नए नए नियमों को लागू किया। ऋग्वेदिक काल में एक ग्रंथ होता था, ऋग्वेदिक ग्रंथ, जिससे हमें ऋग्वेदिक काल की जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल में तीन ग्रंथ मिलते हैं वेदों के, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद शामिल है। ये तीनों ग्रंथ ऋग्वेद से ही बनाए गए हैं। तीनों में ही किसी एक विषय को लेकर संपूर्ण जानकारी हमें मिल जाती है। वेद जानकारी का प्रमुख स्रोत होने की वजह से हमने इस काल को वैदिक काल का नाम दिया है। तो जानेंगे उत्तर वैदिक काल में कैसी संस्कृति थी, कैसी सभ्यता थी। उससे पहले हम जान लेते हैं उत्तर वैदिक काल में ऋषियों ने और आर्यों ने कहां तक भौगोलिक क्षेत्रों का विकास किया। हमारे ऋषियों और आर्यों ने ऋग्वेद को चार वेदों में विभाजित कर दिया, जो कि सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद हैं। अब हमारे पास चार वेद थे और अनेकों पुराण जो इस काल में लिखे गए, इनके बेस पर ही आगे बदलाव हुए, जो कि ऋग्वेदिक काल में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो आइए जान लेते हैं उत्तर वैदिक काल की संस्कृति को। इसमें ही रामायण और महाभारत हुई थी, ऐसा माना जाता है। हालांकि तिथियों की कोई संपूर्ण जानकारी किसी के पास भी नहीं है। आइए जान लेते हैं उत्तर वैदिक काल की वैदिक सभ्यता, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन को हम समझेंगे। तो आइए जान लेते हैं उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक क्षेत्र। उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक क्षेत्र सप्त सिंधिक प्रदेशों से निकलकर अब बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुका है। पहले सिर्फ सप्त सिंधिक प्रदेशों में ही ऋग्वैदिक काल था, उसका प्रचार अफगानिस्तान से लेकर गंगा घाटी तक था। अब ये क्षेत्र ही गंगा घाटी तक फैल चुका है। इसको हम उत्तर वैदिक काल या फिर लेट वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। इसमें प्रमुख क्षेत्र कुरु, पांचाल, कौशल इत्यादि थे। तो आइए जान लेते हैं उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, राजनीतिक परिस्थितियां और न्यायिक व्यवस्था किस तरह से थी, आइए समझते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो राजा थे वो निरंकुश हो गए थे। बहुविवाह की प्रथा का प्रचलन था। राजा सब इच्छा से कार्य करते थे,
इसके साथ ही अगर कोई राजा अपनी प्रजा हित में कार्य नहीं करता था तो उसे निंदनीय और अपमानजनक दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन राजा निरंकुश होते हुए भी अपनी प्रजा के हित में ही कार्य करते थे। राजा अधिकतर धार्मिक कार्यों में आगे रहते थे। राजा का ही कार्य होता था सभी धार्मिक कर्मकांड करवाना। इसके अलावा राजा को अनेक उपाधियां दे दी गई थी। मध्य देश में राजा, उत्तर में विराट, पूर्व में सम्राट, दक्षिण में भोज, सम्राट के नाम से पश्चिम दिशा में जाना जाने लगा। बहुत अलग अलग दिशाओं में अलग अलग संबोधन राजा को मिलने लगा। इसके साथ ही हम क्षेत्रीय दृष्टि से देखें तो अब पहले सबसे बड़ी इकाई जन हुआ करती थी, लेकिन अब जन से भी बड़ी इकाई जनपद होने लगी थी। जनपद जन का ही बड़ा रूप था, यानी कि जन को ही विस्तृत कर दिया गया था, जिसका नाम जनपद रखा गया। जनपद के मुखिया सम्राट या राजा होते थे। बाकी सब व्यवस्था वैसे ही थी जैसी ऋग्वेदिक काल में देखने को मिली। जनपद में जन का क्षेत्र होता है, जो उसमें बाहरी लोग आकर बसने लगे, क्षेत्र का विस्तार होने लगा और उसी को जनपद कहा जाने लगा। समय के साथ साथ बाहरी लोग और जन के लोग आपस में घुलने मिलने लगे और जनपद का निर्माण हुआ। अगर हम बात करें सेना की, तो राजा स्वयं की सेनाएं बनाने लगा। इन सब का खर्च कर के रूप में जनता से लिया जाता था। स्वयं की सेनाएं, हथियार, रथ, घोड़े आदि सेना का हिस्सा बनने लगे। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य अधिकारीगण की, तो राजा स्वयं ही अधिकारियों की नियुक्ति करता था। सेनानी या फिर सेना का प्रमुख सेनापति सूत होता था राजा का सारथी। ग्रामीणी गांव का मुखिया भागदू कर संग्रहता, जो कर इकट्ठा करके लाता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष, जो सभी कर को सभी पैसों को अपने पास रखता था, ये हम कह सकते हैं, यानी कि धन को अपने पास रखता था संग्रहित करके कोषाध्यक्ष। ऐसे ही बहुत सारे अधिकारी उस समय में हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा सबसे प्रमुख रानी को महिषी कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लें। इसके अलावा अगर हम बात करें सामाजिक जीवन की, तो वो ऋग्वेदिक काल की तरह ही होता था। इसमें बाद में जाके कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रारंभिक वर्षों में हमें सब कुछ ऋग्वेदिक काल जैसी स्थितियां दिखाई देती हैं। तो आइए जान लेते हैं उत्तर वैदिक काल की वैदिक सभ्यता में कैसा सामाजिक जीवन था। समाज अभी भी पितृसत्तात्मक ही था, सभ्यता ग्रामीण ही थी, लोग गांव में ही रहते थे। लेकिन क्षेत्र विस्तार होने की वजह से छोटे छोटे गांव बड़े बड़े गांव में बदल गए थे। प्रिय पशु गायें थी, उसे बहुत पवित्र माना जाता था। पशुपालन और कृषि अभी भी मुख्य व्यवसाय के रूप में बने हुए थे। सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। इस काल में संयुक्त परिवारों का प्रचलन था, सभी इकट्ठा रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। परिवार में भाई, बड़ा भाई या फिर पिता परिवार का मुख्य या फिर गृहपति होता था। इसके अलावा कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय थे। जो हल होते हैं खेत जोतने के लिए, उनका आकार बढ़ चुका था। कृषि की सभी विधियां, बुआई, जुताई, कटाई, सिंचाई, सभी विधियों को कृषि में उपयोग किया जाता था। इसको लिखित रूप में भी हमें ये सब मिल जाते हैं। इसके अलावा कृषि के लिए बैलों का उपयोग होता था, सिंचाई करने के लिए, हल जोतने के लिए। सिंचाई की अलग अलग विधियां अपनाई जाती थी। पशुपालन में
भैंसें, गायें, बकरियां, सुअर, मुर्गे आदि पक्षियां पक्षी पशु पक्षी पाले जाते थे। इसके अतिरिक्त हमें गायें एक पवित्र पशु के रूप में दिख जाएगी इस काल में, जिसमें पूजनीय माना जाता था गायें को, इसलिए सभी घरों में हमें उस काल में गायें मिल जाती हैं। इसके अलावा उद्योग का क्षेत्र भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। उस समय में उद्योगों में आभूषण बनाने के उद्योग, जहाँ पे धातु को गलाना, आकार देना अच्छे से लोग जानने लगे थे। हालांकि लोह की खोज अभी तक नहीं हुई थी। चमड़ा उद्योग, जिसमें जूतियाँ बनाना, कोड़े बनाना, रस्से बनाना आदि के कार्य होते थे। शिल्पकार मूर्तियाँ बनाना और अलग अलग कलाकृतियाँ बनाने का कार्य करते थे। इसके अलावा हमें लकड़ी की कारीगरी दिख जाती है। लकड़ी की कारीगरी में बहुत सारे प्रकार के बर्तन हमें देखने को मिल जाते हैं, टोकरियां देखने को मिल जाती हैं उस काल में। इसके अलावा हमें लोहार, दर्जी, कुम्हार और ज्योतिष सबसे महत्वपूर्ण राजकौशल के लिए जो घर बनाने का कार्य करते हैं, महलों महल बनाने का कार्य करते हैं, राजगृही का कौशल सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि इतने उस समय में 10-10 मंजिला या फिर हम कह सकते कम से कम 3-4 मंजिला महल बनाए जाते थे। दर्जी होते थे, लेकिन दर्जियों के पास मशीन नहीं होती थी, वो हाथ से ही सिला करते थे कपड़ों को, हाथ से ही कपड़े बनाए जाते थे सुई और धागा के जरिए। सुई धागा का आविष्कार हो चुका था इससे पहले ही, इसी वजह से सुई धागा का यूज करके ही दर्जी कपड़े सिलने का काम किया करते थे। ज्योतिष विज्ञान का बहुत महत्व था इस काल में। इसके अलावा अगर हम बात करें आश्रम व्यवस्था की, तो आश्रम व्यवस्था ऋग्वेदिक काल की ही तरह थी। आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। सभी का अपने नाम के आधार पर ऋग्वेदिक काल की तरह ही कार्य होता था। ब्रह्मचारी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करना, उचित आचरण बनाना सीखना, गृहस्थ आश्रम में विवाह करना, धन कमाना, घर बसाना, वानप्रस्थ आश्रम में सामाजिक कार्य हो गए, लोगों का भला करना हो गया, संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, प्रयास करना, यानी कि अपने अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के उद्देश्य से 4 आश्रम बनाए हुए थे। ऋग्वेदिक काल में भी ये बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन शुरुआत में ये ऐसे ही थे, लेकिन आगे चल के इनको लोगों ने अपने तरीके से इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मचारी आश्रम को 24 वर्ष का, आगे फिर से गृहस्थ आश्रम को 24 वर्ष का, उससे आगे वानप्रस्थ आश्रम को भी 24 वर्ष का, संन्यास आश्रम को 24 वर्ष तक का माना, यानी कि एक एक वर्ष हर एक आश्रम से घटा दिया गया। आगे चलकर शुरुआती दिनों में बिल्कुल ऋग्वेदिक काल की तरह ये 25 वर्षों का समय होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये 24 वर्षों तक का समय रह गया। अगर हम बात करें आश्रम व्यवस्था के अलावा वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण व्यवस्था शुरुआत में ऋग्वेदिक काल की तरह ही थी। 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों शुरुआत में ऋग्वेदिक काल की तरह ही कर्म के आधार पर आधारित थे, यानी कि अगर ब्राह्मण के कर्म करेंगे तो ब्राह्मण कहलाएंगे, शूद्र के कर्म करेंगे तो शूद्र कहलाएंगे। अगर कोई व्यक्ति शूद्र में जन्म लेकर अपने कर्मों से ब्राह्मण बनता है तो वो ब्राह्मण कहलाता था, लेकिन बाद में आगे चलकर इस प्रथा को भी बदल दिया गया। शूद्र में जन्म लेने के बाद शूद्र, ब्राह्मण में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण। हालांकि श्रीमद् भगवद गीता में हमें कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का लिखित
अनुवाद मिल लिखित रूप में मिलते हैं, लेकिन फिर भी खत्म होते होते उत्तर वैदिक काल के खत्म होते होते ब्राह्मण में जन्मे तो ब्राह्मण, शूद्र में जन्मे तो शूद्र, वेश्या में जन्मे तो वेश्या, क्षत्रिय में जन्मे तो क्षत्रिय, यानी कि ये फिक्स कर दिया गया जन्म के आधार पर कि जिस वर्ण में जन्मे उसी वर्ण के कहलाएंगे। लेकिन आपातकाल की स्थिति में ये दोनों एक दूसरे का कार्य कर सकते थे। उत्तर वैदिक काल खत्म होते होते ये बिल्कुल ही फिक्स हो गए अपनी अपनी अपने अपने वर्णों में, यानी कि ब्राह्मण कुल में जन्मे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय कुल में जन्मे तो क्षत्रिय। तो यहाँ से शुरुआत हुई एक अलग सभ्यता की, जिसमें वर्ण व्यवस्था या फिर जातीय व्यवस्था, उपजातीय व्यवस्था का आरंभ होना शुरू हो गया था। इसके अलावा हमें गोत्र प्रथा का आरंभ भी उत्तर वैदिक काल से ही मिलता है। इसमें स्त्रियों की स्थिति की अगर हम बात करें, स्त्रियों की स्थिति पहले से कम थी, ऋग्वैदिक काल से थोड़ी कम थी, लेकिन अभी भी सम्मानजनक स्थिति थी। पढ़ने लिखने का अधिकार था, विदुषियां मिल जाती हैं, लेकिन बहुविवाह प्रथा का प्रचलन हो गया था। लोग एक से ज़्यादा विवाह कर सकते थे, अलोम प्रतिलोम विवाह का भी प्रावधान हमें इसी काल में देखने को मिलता है। स्त्रियों को आज़ादी थी, लेकिन कुछ हद तक पहले से कम स्थिति हम कह सकते हैं, ऋग्वैदिक काल से कम अच्छी स्थिति थी, लेकिन अच्छी स्थिति थी आज की तुलना में, या फिर आज से पहले के समय में बहुत अच्छी स्थिति थी। धार्मिक कार्यों में स्त्रियों का प्रावधान देखने को मिलता है, लेकिन कर्म कांडों में स्त्रियों का होना जरूरी नहीं था, या फिर स्त्रियों को सम्मिलित नहीं किया जाता था। वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा में तुलना कीजिए। वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण के लिए गुरु के घर जाना होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आश्रम बन गए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। गुरु के आश्रम में जाना होता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आगे चलकर आश्रम भी बदल जाते हैं, वो हम अगली वीडियो में ही जानेंगे। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में जाना होता था, ऋग्वैदिक काल में जो शिक्षा होती थी वो सर्वश्रेष्ठ आचरण रखने के लिए होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो शिक्षा होती है वो हत्यारिक शिक्षा, यज्ञों की शिक्षा, तंत्र मंत्र की शिक्षा, इसके अलावा उचित आचरण रखने की शिक्षा भी दी जाती थी। अगर हम बात करें उस समय के पहनावे की, तो आभूषणों का बहुत क्रेज था, हम कह सकते हैं लोगों को आभूषण पहनना बहुत अच्छा लगता था। महिलाओं के साथ पुरुष भी आभूषण पहनते थे, विभिन्न प्रकार के कड़े, पैरों के कड़े, पायल, हार, बालियां कानों की, चोटी रख के उसमें गजरा लगाना आदि हमें देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा 16 सिंगार का प्रावधान भी हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें खान पान की, तो सात्विक भोजन होता था। सात्विक भोजन में दूध दही सर्वश्रेष्ठ होते थे। मांसाहारी भोजन जो भी करता था उसको निंदनीय माना जाता था, उसको निंदा की दृष्टि से देखते थे। उस समय नैतिकता का पतन हो चुका था, क्योंकि उस समय जुए का प्रचलन चल चुका था। जुए के चलते लोग स्त्रियों का अपमान भी कर देते थे, स्त्रियों को दांव पे भी लगा देते थे। मनोरंजन के लिए बच्चे खिलौनों का उपयोग करते थे, मिट्टी से बने खिलौनों का, बड़े शतरंज, चौपड़ जैसे जुआ जैसे खेलों का उपयोग करते थे। घुड़दौड़, रथ दौड़, शिकार करना, इनका भी प्रचलन रहा। संगीत की तीनों विधाएं, गायन, वादन, नृत्य का भी हमें
प्रावधान देखने को मिला है। इसके अलावा मनोरंजन में ये सब होता था। इसके अलावा अगर हम बात करें पहनावे की, तो कपड़ों में रंग बिरंगी साड़ियाँ आ चुकी थी, धोती आ चुकी थी, पगड़ियाँ आ चुकी थी, जूतियाँ पैरों में पहने जाने लगी थी। रंग बिरंगे कपड़ों के लिए प्राकृतिक रंगों का यूज किया जाता था। प्राकृतिक रूप से कपड़ों की रंगाई की जाती थी। हालांकि ऐसा सिर्फ अमीर लोगों के पास ही देखने को मिलता है। पुरुष भी अपने हाथों में बाजूबंद और गले में माला, कानों में बालियां पहने होते थे। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल में धार्मिक व्यवस्था की, तो धार्मिक व्यवस्था में ऋग्वैदिक काल में जो देवी देवता होते थे, उनकी अब थोड़ी कम महत्व हो चुका था, उनको अब थोड़ा कम माने जाना लगा था, यानी कि प्राकृतिक पूजा कम हो गई थी। इस काल में ऋग्वैदिक देवी देवताओं का महत्व कम हो गया था। इसके अलावा ब्रह्मा विष्णु महेश का महत्व अधिक हो गया था। इस काल में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की जाने लगी। वैदिक कांड सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। कर्म कांड देखने को मिलते हैं हमें इस काल में बहुत ज्यादा, जिसके जरिए लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाते थे। कर्म कांड के जरिए इच्छा पूर्ति के वर प्राप्त किए जाते थे। कर्म कांड हर एक व्यक्ति नहीं करवा सकता था। बहुत ज्यादा कॉस्टली होता था, महंगा होता था। सिर्फ राज्य के बड़े लोग या फिर राजा ही कर्मकांड कार्य करवाता था। लेकिन इस समय अंधविश्वास बढ़ चुका था, तो लोग अंधविश्वास के चलते तंत्र मंत्र का कार्य करवा लेते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो हवन और यज्ञों के अलावा ईश्वर की उपासना करते थे। हवन यज्ञों का अत्यधिक उपयोग होता था इस काल में, ऋग्वेदिक काल से भी ज्यादा। इस काल में हवन यज्ञों के जरिए तप किया जाता था, तपस्या की जाती थी। तपस्या के जरिए भगवान को वश में कर लिया जाता था। भगवान को तो नहीं कह सकते, देवी देवताओं को वश में कर लिया जाता था और देवी देवताओं को अपने साथ घर उठाकर ले जाया जाता था, यानी कि अपने घर पर ही कैद कर लिया जाता था तप के जरिए। तो तप का बहुत महत्व दिखाई देता है हमें उत्तर वैदिक काल में। अगर हम बात करें फिर भगवान को भी आगे उनसे बचने के लिए कोई ना कोई युक्ति लगानी पड़ती थी। देवी देवताओं को उनसे बचने के लिए कोई ना कोई युक्ति लगानी पड़ती थी, नहीं तो भगवान को ही अपने घर, देवी देवताओं को ही अपने घर ले जाते थे। ज्योतिष शास्त्र को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता था, यानी कि ज्योतिष ज्ञान में विश्वास रखते थे लोग। तंत्र मंत्र में अत्यधिक विश्वास रखते थे लोग। तंत्र मंत्र पूजा पाठ, मूर्ति पूजा इस काल में आरंभ हुई। हालांकि ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा का हमें कोई भी प्रावधान नहीं मिलता है, लेकिन इस काल में मूर्ति पूजा प्रचलन में थी। उसके अलावा हमें अंधविश्वास का दौर दिखता है। ये अंधविश्वास और कर्म कांडों का दौर दिखता है। अगर फसल भी खराब हो जाती है तो उसके लिए भी तंत्र मंत्र का उपयोग करते हैं, जादू टोने का उपयोग करते थे। तो इस काल में अंधविश्वास ज्यादा होने की वजह से इस काल का अंत हुआ, लोगों का अंत हुआ। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो भगवान में विश्वास रखते थे और बहुत ही सरल तरीके से भगवान की उपासना करते थे। उपनिषदों में हमें इनका उल्लेख मिलता है। ऐसे लोगों का भी एक वर्ग था जो भगवान को एक मानते थे, कर्म कांडों से परे मानते थे,
भगवान को शुद्ध दृष्टि से देखते थे, बिना किसी इच्छाओं के। तो ऐसे लोगों का भी वर्ग था जिसे हम उपनिषद बोलते हैं। उपनिषदों में हम इनका वर्णन मिलता है। इसके अलावा यज्ञ विज्ञान है, कर्मकांड नहीं। इसको समझना बहुत जरूरी है, जो कि सिर्फ एक वर्ग ही ऐसा मानता था। यज्ञ विज्ञान है जिस वजह से वो कार्य करता है। मूर्ति पूजा और यज्ञ दो अलग अलग चीजें हैं, इनको मिक्स नहीं करना है। कर्मकांड यज्ञ को बना दिया गया, हालांकि यज्ञ एक साइंटिफिक चीज है। ये कुछ प्राचीन नदियों के नाम हैं जो कि पहले लिए जाते थे, आधुनिक नाम जो कि हम आज लेते हैं। तो इनको अच्छे से याद कर लेना है, एग्जाम में बहुत जगह काम आती है ये। अगर हम बात करें वैदिक काल के भूगोलिक क्षेत्र की, तो वो बाद में कुछ इस भूगोलिक काल का क्षेत्र बाद में महाजनपद के रूप में हमें देखने को मिलेगा। यानी कि जो वैदिक काल में यहाँ तक विंध्याचल पर्वत तक हुआ करता था, वो वैदिक काल में उसकी सीमा पार कर चुका होगा और महाजनपदों का रूप ले चुका होगा। छोटे छोटे जनपद इकट्ठे होकर एक महाजनपद के रूप में सामने आएंगे, क्षेत्र विस्तार होगा और हमें 16 महाजनपद देखने को मिलेंगे। हालांकि ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं कि महाजनपद कैसे बने, महाजनपदों का उदय कैसे हुआ। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।